कहना चाहोगे क्रूज कंट्रोल के बारे में? सेकंड सीजन तो ये बता, मेरे को तो पता नहीं इस बार. अंजलि को तो पता ही नहीं. लेट अली स्पीक. बी देयर, बी देयर एट द बाइक. कुछ नहीं, अच्छा कॉन्सेप्ट है. इंडिया में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है तो मज़ा आता है. कोई नई, कुछ नई चीज़ है. एंड आई विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट. आई विश सनबर्न ऑल द बेस्ट. आई हैव हैड अ वेरी घर वाला रिलेशन विद देम. और इंडियाज नंबर वन फेस्टिवल, आई एम परफॉर्मिंग. ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ सनबर्न ऑलवेज. एंड या मुझे इस बारे में नहीं पता है, मुझे अली बताएगा अभी. और अली ने मुझे इनवाइट किया था बट मैं नहीं आ पाऊंगी बिकॉज मैं हूँ नहीं यहाँ पर. ओके, व्हाट हैपनिंग ऑन प्रोफेशनल फ्रंट? जैसे आपने कहा कि गाना आने वाला है. गाना आने वाला नहीं, आ चुका है. आप सबने सुना कि नहीं सुना मेरा न्यू गाना दिल जले? अम्मानी इज द वन. विशाल पांडे, थैंक यू. कुछ बताइए, विशाल पांडे के साथ गाना आया, किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. गाना ट्रेंडिंग पे है और लोगों को बहुत अच्छा लगा है वीडियो. यार मुझे वो गाना बहुत पसंद है. वैसे दिल जलो की तो दुनिया है ही, है ना? क्या बात. और दिल तो सभी का धड़कता है. पहले सैया दिल में आना रे, फिर दिल जलो अलग कर रहे हैं अंजलि जी. अब क्या है ना, बॉलीवुड ने हमें बेवकूफ बनाया था ना. प्यार एक बार नहीं होता, बार बार होता है. बार बार होता है. अच्छा, आर यू फॉलोइंग करण जौहर? यस, थोड़ा थोड़ा. किस लिहाज से? कि दिल कभी भी, दिल बार बार टूट सकता है, बार बार प्यार हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है. अगर किसी एक सेलिब्रिटी को बॉलीवुड से, टीवी इंडस्ट्री से और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से किसी को ले जाना हो अपने साथ क्रूज पे, तो किसे लेके जाएंगे? मैं खुद ही नहीं जा रही यार. अरे मैं खुद ही नहीं जा रही. गिवन अ चॉइस. मेरा ब्रो है ना मेरे साथ. इनफ, आई डोंट नीड एनीवन. व्हाट अबाउट यू? इनके अलावा, इनका नाम ले लेंगे, इनके अलावा किसको क्रूज पे लेके जाओ वो लॉकअप के घर से किसी को? निशान ब्रो. जीशान, जीशान ब्रो, जीशान है. पूनम है, साइशु है, किसी को मिल जा सकता है. आपने अपनी लिस्ट बता दी. यार लॉकअप ही क्रूज के अंदर बनना चाहिए, पता है. बहुत मजा आएगा. अच्छा जी, क्या खास है? क्या आपको कुछ मेमोरीज याद है, कुछ यादें ताज़ा है जो क्रूज पे आपने कई बार विजिट किया हो? कई बार नहीं, मैं नहीं गई आज तक. क्रूज पे जाना चाहेंगी? हाँ, फॉर श्योर. क्या आपको अच्छा लगता है क्रूज के बारे में और क्या बुरा लगता है? मुझे, मैं नहीं गई हूँ वहाँ पर तो मुझे नहीं पता है उसका. और क्या एक्सपेक्ट करती है जब क्रूज पे जाते हैं? घूम फिर गए ऐसे आ रहे हो? अरे नहीं, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई कि मैं जा सकूं, बट अगर मैं फ्री हुई तो मैं जरूर जाऊंगी. अली भाई आप कुछ बता दीजिए क्रूज के साथ कभी, लाइक हैव यू? यार जब पहला क्रूज था तब परफॉर्म किया था, दूसरा क्रूज था तब परफॉर्म किया था, अब ये क्रूज है तो परफॉर्म कर रहा हूँ. तो आई थिंक क्रूज और मेरा बड़ा टाइट रिश्ता है. इस तरह की एक्सपेक्टेशन होगी? सोल्ड आउट, जहाँ जहाँ सोल्ड आउट, जहाँ sold out. 100%. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. था कि बहुत ही सेफ्टी के साथ हुआ था. एक्चुअली सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि क्रूज़ के नाम से बहुत सारी चीज़ें याद आती, बट ये वो क्रूज़ नहीं था. ये क्रूज़ बहुत ही अच्छा था, जैसे टीम इनोवेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया था लास्ट ईयर. और सारे आर्टिस्ट, जितने भी इंडिया के परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, सबसे बड़े डीजे, सिंगर्स, सभी ने परफॉर्म किया था. और काफ़ी बड़ी, काफ़ी बड़ा इवेंट हुआ था. तो आई थिंक दिस इज़ फॉर द सेकेंड टाइम वेयर दिस क्रूज इज़ हैपनिंग, दिस फेस्टिवल इज़ हैपनिंग. इसमें सनबर्न है, इसमें टीम इनोवेशन है, और इसमें क्रूज है. तो कहीं ना कहीं आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड दैट सो मेनी पीपल आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट. इट्स लुकिंग वेरी बिग. व्हाट्स योर एसोसिएशन विद सनबर्न? सी, माय एसोसिएशन इज़ कि लास्ट टाइम आई वॉज द हेडलाइनर, आई वॉज डूइंग दिस इवेंट, मतलब आई वॉज द मेन परफॉर्मर फॉर इट. देयर वर सो मेनी अदर परफॉर्मर्स ऑल्सो, एंड दिस ईयर ऑल्सो आई एम हेडलाइनिंग द इवेंट. मैं हूँ चेतस है, और लास्ट टाइम बीपराग भी थे, और बीपराग तो आप जानते कितने कमाल सिंगर. सो इस बार वापस से हम दोनों कर रहे हैं, चेतस और मैं इस बार भी है, और भी बहुत सारे नए आर्टिस्ट हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंटेड लोग हैं. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फन, एंड बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी है. किस तरह की तैयारी की थी आपने? मैंने तैयारी ये करी है कि मैं आ रहा हूँ, और क्योंकि क्रूज़ में क्या होता है ना, ऑलरेडी आप इतने घंटे के टाइम पे आप लोग सब लोग डीजे सुन रहे होते हैं, सिंगर्स को सुन रहे होते हैं, सो बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज होती है. तो कहीं ना कहीं मैंने अपना कुछ एक स्पेशल सेट रखा है कि जितने भी लोग क्रूज़ में आए उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आए और वो इन्जॉय करें. देखो अभी स्टेबिन को सब लोगों ने रोमांटिक गाते हुए सुना है, सैड गाते हुए सुना है, बट अभी जो स्टेबिन ने जो जॉनर चेंज किया है जाना, तो मैं अभी थोड़े पेपी गाने गाने वाला हूँ और थोड़े डांस नंबर्स गाने वाला हूँ. सो कहीं ना कहीं मेरे गाने भी थोड़ा चेंज हो रहे हैं, तो कॉन्सर्ट्स में भी वो गाने का एक चेंज दिखने वाला है लोगों को. पहला साल इतना कामयाब रहा, क्या आप मानते हैं जिम्मेदारी बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होगी आपसे? बिल्कुल बिल्कुल यार, पहले साल सुपर पैक था. एक भी मुझे याद है होटल का रूम अवेलेबल नहीं था, और लोगों के लिए स्पेस ही नहीं थी क्योंकि पूरा पैक्ड हो गया था. तो आई थिंक
ये दीज गाइज आर अमेजिंग, इनको पता है कैसे करना है, तो इस बार भी ये पूरा भर जाएगा और आई एम श्योर ये इस बार उससे बड़ा ही होने वाला है। सेवन, इसके अलावा आने वाले समय में कौन से नए गाने देखने मिलेंगे आपके? आई थिंक अभी मैं जाना गाने को प्रमोट कर रहा हूँ इस वक्त बहुत ज़ोर से, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश होती है तो मुझे आना बहुत ज़रूरी है। और मेरे अगले गाने जो है वो सब शूट के लिए तैयार हो चुके हैं और मैं उसको शूट करने वाला हूँ और जल्दी से शूट करके आप सबको रिलीज़ करना। बारिश का नाम ये है, बारिश के साथ करण के साथ आपका काफ़ी रोमांटिक गाना। बारिश आई है और एक गाना आने वाला है, सुना है कब आने वाला है कुछ पता है? करण के साथ मेरा अगला गाना आई थिंक अक्टूबर में आ जाएगा सबसे पहले, और उसके लिए भी बहुत तैयारी करी है। करण ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जैसे कि बारिश आई में दिया था करण तेजस्वी ने, वैसे ही सेम परफॉर्मेंस करण ने इस गाने में दिया है और ये गाना बड़ा ही रोमांटिक है, बड़ा पैपी है, तो कहीं ना कहीं करण एक नए अवतार में आपको नजर आएगा। क्या हम फिर से तेजरन को ही देखने वाले हैं? तेजरन को वापस देखोगे, क्योंकि हर गाने में तेजरन तो आते ही गाना प्रमोट करने, मैं भी आता ही हूँ करण के साथ प्रमोट करने, तो आई थिंक सभी लोग रहेंगे, पक्की बात। थैंक यू गाइस, थैंक यू भाई। कुछ आपके बारे में जानो से पहले कुछ पूछूं मैं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर। और मैं एन टीवी सीरियल का पैरेलल लीड रह चुका हूँ, मैंने कई ये इश्क नहीं आसान की एपिसोडिक कर चुका हूँ, एक रिसेंटली अमावस गाना आया था उसके लिए लीड अमावस गाना भी किया है, एंड अभी मैं दो मराठी मूवीज़ साइन कर चुका हूँ और एक हिंदी वेब सीरीज़ साइन कर चुका हूँ, और फिल्म फेयर लेटेस्ट एडिशन में भी मेरा एक बहुत बड़ा इंटरव्यू हुआ है। आई एम अ नेशनल स्नूकर प्लेयर और आई हैव 26 स्नूकर ट्रॉफीज एज वेल। अरे क्रूज तो यार, क्रूज मतलब आई फील क्रूज इज़ अ वाइब विच एवरीबडी शुड यू नो गो एंड एक्सपीरियंस इट, इट इज़ द बेस्ट थिंग। हम बहुत बार घूमने जाते हैं, रोड ट्रिप करते हैं, बट क्रूज इज़ समथिंग डिफरेंट आई फील, जिसका वाइब होता है, एंड स्टेबिन पर्सनली इज़ माई वेरी फेवरेट आर्टिस्ट, तो इवन ही इज़ देयर, मोस्ट ऑफ द पीपल एंड आर्टिस्ट आर देयर, सो आई थिंक जाके एन्जॉय करना चाहिए बस। आई मोस्टली एन्जॉय माई वाइब, ड्रिंक के साथ मस्ती भी होनी चाहिए, और वैन यू हैव ऑल योर फ्रेंड्स टुगेदर इट इज़ द बेस्ट थिंग टू गो, देर इज़ नो बैरिकेशन ओवर एनी थिंग, इज द गुड प्लेस टू हैव अ पार्टी। या पाइपलाइन इज आई एम डूइंग अ वेब सीरीज राइट नाउ विच इज़ बी कमिंग ऑन जी म्यूजिक, वन म्यूजिक वीडियो इज़ देर, एंड जी पे और एक वेब सीरीज़ का लाइनअप हुआ है, सो होपफुली ये साल में बहुत सारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे जो मैंने कोविड के बाद भी काम किया है, सो मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी मोर रिनाउंड टिल नाउ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू गाइस। Honestly speaking, I've never really gone cruising. I really want to, I wish to, but looking forward to this, yeah. Agar ghumna jana chaho, kiski company pasand karte ho aap? First family, obviously, because this is the time I get to spend with them. और शूट पे तो बिजी रहती हूँ, अभी मैं आई इस टाइम पे हूँ। you know? आप दोनों की वेब सीरीज आने वाली है, yes. जी। बारे में, yes. पीसा चीनी के बारे में, yes. लोगों का क्या प्यार काफी मिल रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। योर कैरेक्टर दोस्त है, नेक्स्ट लेवल है यार, नेक्स्ट लेवल। Thank you. Thank you. Thank you. People are saying that they are not scared. They are falling in love with me. I'm like, अरे यार गैस। है इतनी प्यारी नायरा, क्या करें? तो डराने की कोशिश जारी है वैसे, green eyes और veins दिखा के. But let's see. But I'm getting lot of love and I'm looking forward to our web series we shot couple of months ago and finally it's releasing on the 28th. 28th, yeah. Nayara, you hardly come to an event. How come you here compared to 12:25? मैं वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ, शी इज सच एन अमेजिंग कोस्टर, और जो वेब सीरीज हुई भी और मिली भी वो भी यू नो समवे आई गिव हर क्रेडिट, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन हाउस मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और मैं ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, एंड शी इज़ लाइक अरे क्या कर रहा है तू, मैं हूँ तेरे ऑपोजिट, ओके इमीडिएटली मैंने कॉल किया यार अब तो करना ही है, yeah. you know, so that's how it happened. नारा जी एक सवाल पूछ रहा था, दंगल में जिस तरह का आपका रोल था वो कैरेक्टर काफ़ी अलग है, पिशाच का कैरेक्टर अलग, बट मैं देख रहा हूँ जिस तरह का प्यार मिलता है दोनों में काफ़ी हाई है, एंड पिशाच इज़ ऑल्सो डूइंग रियली वेल,
tell us something, the kind of love that you received from your fans. I got immense amount of love in Dangal as well, the Raksha Bandhan, my show, and here though it's even more because here I'm playing the title role and the story is about Pishachni, so the love is even more over here, and I'm enjoying all the antics that I do, all the stunts that I do, the way I scare people, or the way I mean, in a very lovingly, I'm trying to patao people or I want to hear the laughter, है ना? वो हंसी में जो मजा है ना, वो कौन कौन सुनना चाहता है? अरे बाप रे! है ना? चलो यार. सुना दी. एक बात तो बनता है. Thank you so much, guys. Thank you. Thanks a lot. Thank you.